सो बेसिकली टुडे इज़ योर लास्ट डे कि आपने अपनी तरफ से प्रीफ्रेंस एंट्री भर दिया, आज रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब आप लोग वेट करोगे कि अब आगे क्या स्टेप होने वाला है। तो बेसिकली आज क्या होगा ना, आप लोगों ने प्रीफ्रेंस एंट्री अपनी फिलअप कर दी, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर अदर जितने भी कोर्सेज में प्रीफ्रेंस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन उनसे ले लिया गया है। अब वो प्रीफ्रेंस और रजिस्ट्रेशन आपका वेरिफिकेशन होगा, और प्रीफ्रेंस वेरिफिकेशन के बाद आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि वो वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद का प्रोसीजर होगा रिजल्ट, ठीक है, या फिर प्रीफ्रेंस लॉक मेंशन आ सकता है, और फिर रिजल्ट का आपको वेट करना होगा। मतलब फर्स्टली आप लोग पैनिक नहीं करोगे, कुछ बच्चों का पहले होगा, कुछ बच्चों का बाद में होगा, और काउंसलिंग जो है वो फेज वाइज होगी। ध्यान दीजिएगा, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको पहले मैसेज आएगा कि आपको अपना पेमेंट करनी है, रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको मिला है और आपके उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको अपने सीट के लिए पेमेंट करनी होगी विद इन 24 to 48 आवर्स। और ये सारी चीज़ें आपको अपने डैशबोर्ड पे कल से रेगुलरली चेक करनी होगी। अपना ईमेल आईडी भी आपको चेक करनी होगी जो कि BHU से आपने लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और इवन अपना डैशबोर्ड जो कि आपका पोर्टल बन चुका है काउंसलिंग का, उसको अब आपको रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि अब आपकी तरफ से आपका काम डन हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म आपने फिलअप कर दी है UG स्टूडेंट्स, अब सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी एडमिशन प्रोसीजर में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफिकेशन करेंगे, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो चीज़ आपको शो होगी आपके पोर्टल पे। और बेसिकली आप पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, जिनके मार्क्स एवरेज है या फिर लो है, फेज वाइज में ये काउंसलिंग होता है, तो फर्स्टली उन्हीं लोगों को मैसेज या कॉल या फिर डैशबोर्ड पे शो होगा कि वेरिफिकेशन डन हो चुका है, और उसके बाद रिजल्ट का फिर आपको वेट करना होगा। इस चीज़ में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, किसी का फर्स्ट डे पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, किसी का 1 से 2 दिन लगेगा, किसी का मैक्सिमम डेज लगेगा। अगर मेन कैंपस में काउंसलिंग डन हो जाती है, सीट फुल हो जाएगी, तो उसके बाद एफिलेटेड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो बहुत ही पेशेंटली अपने डैशबोर्ड को आप 1 दिन में 2 बार ही चेक कर लिया करिएगा, और जैसे ही अगर प्रोसीजर कुछ आ जाता है और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप BHU इन्फोपीडिया से भी सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मुझे नहीं लगता आप किसी के पास रजिस्ट्रेशन और प्रीफरेंस एंट्री के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा, और आज लास्ट डे है। अगर अभी तक प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और वेट करिएगा, कल से काउंसलिंग का फर्स्ट लेवल, फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑल द बेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साइनिंग ऑफ, टाटा।